बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एफएससी फिजिक्स पार्ट टू के अंदर चैप्टर नंबर टू में ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक्चुअली वेक्टर ऑपरेशंस में से एक टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट एडिशन ऑफ वैक्टर, और वैक्टर्स के दो और ऑपरेशन हैं जिनमें से एक स्केलर प्रोडक्ट और एक जो है वो वैक्टर प्रोडक्ट है। तो ये जो है ये हमने बारी बारी जो है वो डिस्कस करना है। आज का जो टॉपिक होगा वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के हवाले से होगा। तो देखते हैं जी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इसको कहा क्यों जाता है? जैसा कि हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि जब कभी भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो हमेशा एक वेक्टर ही होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है, वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने से हमेशा जो रिजल्टेंट हो वो भी एक वेक्टर आए। ये भी हो सकता है कि जो रिजल्टेंट है वो कभी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, और ये भी हो सकता है कि जो रिजल्टेंट है वो कभी स्केलर क्वांटिटी हो। तो इस बिहाफ पे जो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है और दूसरे को वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट, जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और एज अ रिजल्ट एक नई क्वांटिटी जो बने वो स्केलर हो, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होगा इसको बोला जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स रिजल्ट एज अ स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट। दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जब कभी भी दो वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और एज अ रिजल्ट जो नई क्वांटिटी बन रही है अगर वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो वैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन थी ये स्केलर प्रोडक्ट थी या ये डॉट प्रोडक्ट। लेट्स से अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और हमें इनका स्केलर प्रोडक्ट लिखना हो अभी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, तो उसको जो हम लिखते हैं वो ए डॉट बी लिखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के लिए जिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं उनके दरमियान डॉट का साइन लगाया जाता है। इसी वजह से इस प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो डॉट प्रोडक्ट भी है, और वो इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से है क्योंकि दोनों वेक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उनके दरमियान डॉट का साइन आ रहा है। ये लेफ्ट साइड है, और अगर राइट साइड देखी जाए तो राइट साइड बनती है ए बी कॉस थीटा। ये ए बी कॉस थीटा कैसे बनती है ये अभी हम देखते हैं लेटर ऑन। लेकिन अगर इस फॉर्म में दो वेक्टर्स को लिखा गया हो तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन हो रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी बन रहा है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है ये क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिखते हैं। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो वर्क है दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उस वक्त हम डिस्टेंस बोल देते हैं, समटाइम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, इतना इसके बारे में क्रिटिकल नहीं होते। लेकिन अब हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि राइट साइड पे जो क्वांटिटीज आ रही हैं वो कौन सी हैं और जो लेफ्ट साइड पे आ रही हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे वर्क है W लिखा हुआ है उसको सिंपल, और राइट साइड पे फोर्स, फिर उसके दरमियान डॉट और फिर डिस्प्लेसमेंट है। और जो एक और नोटिसेबल चीज है वो ये है कि फोर्स के ऊपर भी मैंने एरो साइन लगाया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी मैंने एरो साइन लगाया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है ये भी वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वर्क के ऊपर जो है वो कोई एरो साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और डॉट ये शो कर रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो नई क्वांटिटी बनेगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। जिस वजह से हम समटाइम्स ये भी वर्क को डिफाइन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वर्क। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये है जी पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये आप लोगों ने शायद डेरिवेशन जो है वो अभी तक ना डिस्कस की हो, लेकिन ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके। तो
कि फोर्स और वेलोसिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो पावर के इक्वल होता है। पावर वही रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये वही पावर है। ये नहीं समझना कि ये कोई नई पावर आ गई जो कि वेक्टर्स के फॉर्म में लिखी जा रही है। एक्चुअली ये दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के नतीजे में आ रही है, तो ये एफ डॉट वी है। अब हम ये आते हैं इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ। लेट से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो लेफ्ट साइड पे तो हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को लिखेंगे और उनके दरमियान डॉट साइन लगा देंगे। राइट साइड को हम कैसे लिखेंगे, राइट साइड को जो लिखने के तरीके हैं वो एक दो मुख्तलिफ मेथड है वो हम देखेंगे। पहला ये है कि आप ये लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, एक तो लिखने का तरीका ये है। अब ये क्या चीज होती है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको हम समझते हैं जरा, इसको इस डायग्राम से देखेंगे। लेट से जिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उनमें से एक वेक्टर ये रेड लाइन से शो हो रहा है जो कि वेक्टर बी है, और दूसरा जो वो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, और इन दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन कर रही हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल थीटा के इक्वल है। हम अगर इन दोनों वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर ए होगा उसकी मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और जो वेक्टर बी होगा उसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर। अब ये वेक्टर बी है हमारे पास, इसका वेक्टर ए के ऊपर हमने ये डॉटेड लाइन के साथ जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। प्रोजेक्शन का मतलब है कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि वेक्टर ए के ऊपर लाय कर रहा है, ये वाला। अब ये जो प्रोजेक्शन होगा, ये प्रोजेक्शन एक्चुअली किसकी इक्वल है, ये एक्चुअली बी वेक्टर का एक कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये आपके पास बी साइन थीटा कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी कॉस थीटा कंपोनेंट है। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आया है, ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख लें कि ये कैसे हम ड्रॉ करते हैं। इसी वजह से इसको यहाँ पे ये लिख दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा। बी कॉज ऑफ थीटा यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि ये बी का कंपोनेंट है जो कि अलोंग ए है। इसी वजह से समटाइम्स इस नोटेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए जो होगा वो भी यही बी कॉज थीटा होगा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और यही हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ए डॉट बी है वो किसकी इक्वल आता है, वो ए बी कॉस थीटा की इक्वल आता है। ये थी जी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरी रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम आते हैं कि लेट से हम ए डॉट बी नहीं बी डॉट ए लेना चाह रहे हैं। अब अगर बी डॉट ए लेंगे तो पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और फिर हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी के ऊपर ड्रॉ करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए जो है वो अलोंग द हॉरिजेंटल है, अब इसका प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो याद रखें कि जिस वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे होंगे जो फाइनल वेक्टर होगा वहां पे वो जो प्रोजेक्शन होगा वो 90 का एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 का होना चाहिए, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये एंगल कितना हो, लेकिन जिस वेक्टर के ऊपर जाके वो एक तरह से टर्मिनेट हो रहा होगा वहां भी उसका जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। तो इस तरह करके अब वेक्टर ए का जो है वो वेक्टर बी के ऊपर जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाता है, और अगर ये प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाता है तो अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ये ए कॉस थीटा होगा, और ये जो होगा ये वेक्टर ए हो जाएगा, और ये जो है ये ए साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलता है, ये हम लोग ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटन्यूज है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटन्यूज है तो ये बेस है, और जो बेस के साथ कंपोनेंट होता है आपको पता है वो ए कॉस थीटा के साथ आता है। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि जो बी डॉट ए है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, वो बी ए कॉस थीटा आ गया। तो ये था जी कि बी डॉट ए कैसे हमने मालूम करना है और ए डॉट बी जो है वो कैसे मालूम करना है। जी तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क डन। वर्क डन किसकी इक्वल होता है, जैसे अभी लेटेस्ट हमने एग्जांपल में भी पढ़ा कि जो वर्क डन है दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, और अगर इसको आप एफ डॉट डी लिखें तो जो दूसरा इसका अल्टरनेटिव फॉर्म है वो आप ये लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है दैट इज एफ डी कॉस थीटा। अब हम ये समझते हैं कि ये एफ डी कॉस थीटा कैसे आता है।
इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम कंसिडर करें जो साइड पे ये ड्रॉ की गई है। इस डायग्राम में लेट्स से ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक फोर्स जो है एट एन एंगल थीटा लग रही है, और एज अ रिजल्ट ये जो बॉक्स है ये अलोंग द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जो कि ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर हमने ये देखना हो कि अगर ये बॉक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट डी कवर करता है तो उसके दौरान कितना वर्क डन होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया जो कि फोर्स वेक्टर था, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था जो कि अलोंग द हॉरिजेंटल था। फिर हमने क्या किया, यहां से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, और जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे और दूसरा जो वेक्टर होगा उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने फोर्स वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लिया, और अगर फोर्स वेक्टर के प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो जो ये वाला प्रोजेक्शन है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन उस वक्त होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल है इस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसकी वजह से वर्क डन होगा, और वो कौन सा है, वो एफ कॉस थीटा है। इस वजह से हम जो फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वो एफ कॉस थीटा है, और इस तरह करके ये जो वर्क का फार्मूला है ये बनता है एफ डी कॉस थीटा। तो यहां तक जो है वो एक फेज था ये स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है। इसके बाद सेकंड फेज है और वो है जी कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो उसके साथ पहले ये डिफाइन का कहा जाता है, और डिफाइन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो है उनको एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। तो अब बारी बारी जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है जी कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है कि जो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि जो a डॉट b है इट इज इक्वल टू b डॉट a, a डॉट b जो है दैट इज इक्वल टू b डॉट a। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव इन नेचर है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, जो कि ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब a डॉट b क्या होता है, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, और अगर b डॉट a होगा तो वो ba cos थीटा बन जाएगा। और इन दोनों साइड्स को अगर कंपेयर कर लें तो जो राइट साइड्स हैं वो इक्वल है, तो लेफ्ट साइड्स किसके इक्वल होंगे, वो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है जी, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों और उनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो होगा वो जीरो होगा, और मैथमेटिकली आप उसको लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, ये मैथमेटिकली लिखा गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे जीरो होता है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो a और b दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि लेट्स से ये एक वेक्टर a है और जो दूसरा b वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। तो इनके दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो कैसे होगा, वो ए बी कॉस थीटा, और एंगल इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो होगा वो ड्रॉ किया जाएगा, और परपेंडिकुलर होने की वजह से वो कितना है, वो 90 है, और हम जानते हैं कॉस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अब जब वेक्टर हम लिखते हैं तो हमें वेक्टर में यूनिट वेक्टर्स को भी डिसाइड करना होता है। यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये आपको पता है, और आई जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है, जे जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस होता है, और जो के है वो अलोंग द जी एक्सिस होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई डॉट जे जो होगा वो भी जीरो होगा, जो डे डॉट के होगा वो भी जीरो होगा, और जो के डॉट आई है वो भी जीरो होगा, क्योंकि आई जे और के जो होते हैं ये म्यूचुअली क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह करके i डॉट j, j डॉट k डॉट i, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे। इवन कोई भी कॉम्बिनेशन इनका हो, k डॉट j हो, j डॉट k हो, i डॉट j हो, j डॉट i हो, ये सारे जो है कॉम्बिनेशन जीरो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है पैरेलल वेक्टर्स के लिए है। अब पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जितनी इनकी मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होगा वो उसके इक्वल होगा। और उसको आप कैसे लिखते हैं, ए की मैग्नीट्यूड ए है और बी की मैग्नीट्यूड बी आ गई, तो ए इंटू बी हो गया। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस इस केस में आप जीरो थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे क्योंकि पैरेलल है और कॉस जीरो वन होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो ये शो करता है कि जो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, वो इनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट एंटी पैरेलल इसके सॉरी यूनिट वेक्टर्स देख लेते हैं। हर वेक्टर अपना पैरेलल वेक्टर होता है, मतलब आई का पैरेलल आई होगा, जे का पैरेलल जे होगा और के का पैरेलल जो है वो के होगा, और इनका प्रोडक्ट जो है वो वन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वन कैसे आ गया, ये तो के इंटू के आना चाहिए था। तो आपको याद होगा कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन होती है, तो के पहले की मैग्नीट्यूड भी वन, दूसरे के की मैग्नीट्यूड भी वन, तो वन इंटू वन वो क्या हो गया, वो वन हो गया। उसके बाद एंटी पैरेलल हम देख लेते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि लेट्स से ये एक वेक्टर है और अगर एक वेक्टर जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए ऐसे, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होगा, ये एंटी पैरेलल होगा। और अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ये क्या होंगे, ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अब अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात की जाए तो उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड तो होगी लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन कैसे, मतलब उसको आप ये लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ऐसा क्यों लिखते हैं ये हम इसको मैथमेटिकली जब एक्सपेंड करते हैं तो तब देखते हैं। कॉस पुट करेंगे अगेन 180 आएगा और कॉस 180 माइनस वन होता है, तो जो ए डॉट बी है वो कॉस 180 की वजह से माइनस वन आया और नेगेटिव को स्टार्ट में लिख लिया तो ये माइनस ए डॉट बी आ गया। तो इस तरह करके ये चार करेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर एक वेक्टर ए है और आप उसी को वेक्टर ए से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड की इक्वल हो जाएगा। और इसको आप ये लिखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैथमेटिकली अगेन जो वेक्टर आपस में इनके दरमियान एंगल होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा क्योंकि सेल्फ वेक्टर जो है वो पैरेलल होते हैं, कॉस जीरो वन हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी तवज्जो से समझनी है आपने कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या प्रोडक्ट आप करेंगे तो एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है। ये हम देखते हैं, सबसे पहले वेक्टर ए को हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा, ए एक्स आई ये उसका एक कंपोनेंट आ गया, अलोंग द एक्स एक्सिस है ये वाई कंपोनेंट आ गया और ये जी कंपोनेंट आ गया। इसी तरह वेक्टर बी के भी कंपोनेंट्स लिख लिए, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करवाया। ये डॉट प्रोडक्ट जो है इसको आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे अलजबरा में इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, पहले ए एक्स आई को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स आई बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए एक्स आई जो है वो बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए एक्स आई जो है वो बी जी के इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि आई डॉट आई जो है वो वन होता है और i डॉट j जो होगा वो जीरो हो जाएगा और i डॉट k जो है वो भी जीरो हो जाएगा। इस वजह से यहाँ से बचेगा वो सिर्फ बचेगा ए एक्स एंड बी एक्स, बाकी सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो फर्स्ट वाले फैक्टर के लिहाज से वो क्या हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई जे को इन पूरे तीनों फैक्टर्स के साथ। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको एक्स वाले के साथ, एक्स वाला क्योंकि उसका परपेंडिकुलर होता है तो जे डॉट आई जीरो हो जाएगा। जब वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेल्फ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी तो ए वाई बी वाई आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और जब जे थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा जे डॉट के तो वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आया वो ए वाई इंटू बी वाई आ गया। इस तरह करके दूसरा फैक्टर जो है वो भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ। तीसरा फैक्टर कौन सा है, ए जी के। अब जब ए जी के को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस ए जी के को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप मल्टीप्लाई करें ए जी के को बी एक्स आई के साथ तो के डॉट आई परपेंडिकुलर है अगेन जीरो हो गया। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो के डॉट जे अगेन परपेंडिकुलर है वो जीरो हो गया। बाकी कौन सा बच गया, के डॉट के, और के डॉट के इसके इक्वल आ गया वो वन हो गया। इस तरह ए जी बी जी जो है वो आपके पास थर्ड फैक्टर बच गया और आपके पास जो दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट आया वो किसकी इक्वल आया कि जो सेम
यूनिट वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई करवा दें। और यही मेथड जो है वो अडॉप्ट करवाया जाता है मल्टीप्लीकेशन में, कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप सिर्फ उन कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवा दें जो सेम यूनिट वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स हो। मतलब आई के कोएफिशिएंट्स को आई के कोएफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करवा दें, जे के कोएफिशिएंट्स को जे के कोएफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करवा दें, और के कोएफिशिएंट्स को के से मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरह करके जो है वो स्केलर प्रोडक्ट इनका लिया जाता है। इसके बाद लास्ट एक प्रॉपर्टी रह गई है, एंड दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं और उनका हमने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है और हमें उनके दरमियान एंगल मालूम करना है, तो वो कैसे मालूम किया जाएगा? तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमने थीटा मालूम करना है तो पहले ए बी को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा दिया, फिर कॉस इनवर्स कर लिया, और ए डॉट बी इसकी इक्वल है वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी है, और डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। और ए इंटू बी का मतलब है कि ए की मैग्नीट्यूड पहले मालूम करनी है, फिर बी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना। इस करके तो मतलब नहीं है कि आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवा रहे हो फिर मैग्नीट्यूड ले लें, ए की मैग्नीट्यूड पहले बी की मैग्नीट्यूड बाद में, फिर उनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ उसको डिवाइड करवा दें और फिर उसका कॉस इनवर्स कर लें। तो इस तरह करके वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी और ये जो था उसका आइडिया था।